शुरुआत की, क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य ये लोगों के बीच जाना और लोगों की भावनाओं को समझना। हम चाहते हैं कि हमारा आपसी भाईचारा बना रहे, ये देश तभी तरक्की करेगा, शक्तिशाली बनेगा भारतीय समाज, जब हम में एकजुटता आएगी। आज जात पात के नाम पे, धार्मिक मान्यताओं के नाम पे जो बंटवारे हैं उससे ऊपर उठाना होगा लोगों को। नगर निकाय चुनाव में जो हर जगह जीत मिली है उससे क्या कहेंगे? अच्छा प्रदर्शन हुआ, पहली बार ही पार्टी चुनाव चिन्ह पे इस तरह से सामने आई और बहुत कम समय हमें मिला तैयारी का। कुछ जगह गठबंधन हो पाया लेकिन पूरे प्रदेश में वह समन्वय आपस में गठबंधन के हमारे जो साथीगण थे वो नहीं बना पाए। इसके बावजूद भी लोकदल के चुनाव चिन्ह पे जो लोग लड़े उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छी मेहनत की। अयोध्या में भी हम जीते और बदायूं, सहारनपुर, ऐसे ऐसे जनपदों में जीत दर्ज हुई है, तो उससे बागपत में भी मैं खड़ा हूँ, यहाँ के कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बहुत ऊंचा हुआ। तो 10% करीब है गठबंधन का जाएंगे या उसमें भी कोई ऐसी कोई बात नहीं, मैं नहीं जानता कि मीडिया वाले क्या नाश्ता करके कैसी खबर बनाते हैं। तो गठबंधन में थे, ये जैसा कहा कि इन चुनावों में कुछ जगह समन्वय बन पाया, कुछ जगह नहीं बन पाया। बड़ौत में उन्होंने सहयोग किया, बागपत में उन्होंने किया, दूसरी जगह नहीं बन पाया। लोकदल द्वारा अपनी जमीनी खोई हुई तलाश रही है? नहीं नहीं, हम तो चाह रहे हैं देश आगे बढ़े। देश तब आगे बढ़ेगा जो हमारे असल मुद्दे हैं वह उनका संज्ञान सरकारें लेंगी, जनप्रतिनिधि लेंगे, वे बातें मुख्यधारा में आनी चाहिए। किसान MSP की मांग कर रहा है, पहले भी सड़कों पर बैठा, सरकार ने झूठे वादे कर दिए, वोट के लौट गए, आज भी वही बात है। पहलवानों के साथ न्याय होना चाहिए, बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है। लोकसभा चुनाव आप खुद बागपत से लड़ेंगे या किसी को? देखिए ये तो फैसले पे थोड़ा वक्त दीजिए। गठबंधन आपका है, गठबंधन का दायरा बढ़ेगा 2024 में? बिल्कुल बढ़ेगा। दिल्ली में धरने पर बैठे बैठी है, क्या कुछ रणनीति है? क्या पहलवान ही फैसला लें, हम लोग ऊपर से उनको जाके समर्थन दे सकते हैं, कुछ थोप नहीं सकते। निर्णय उनको लेने हैं, क्या वो फैसला लेते हैं ये उनके निजी विषय हैं, लेकिन हम लोग उनके समर्थन। एक बाबा नए मार्केट में बागेश्वर धाम, उनकी चर्चा बहुत हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? अब तो बदतमीजी की बात, एक आध मैं भी बोलूँ तो शायद मैं भी चर्चा में आ जाऊँगा। ये जिन्होंने बाबा बना दिए हैं